नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो लेवल रखा है वो थोड़ा सा हाई करके रखा हुआ है। आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये लेवल आपको सही लगा या नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन क्रिया विशेषण नहीं है, यानी यहाँ पे जो भी आपके सामने शब्द दिए हैं कौन क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से मैं इसके आंसर को आपके सामने शो करता हूँ। संस्कारी, ये आपका क्रिया विशेषण नहीं है। देखिए, जैसे धीरे धीरे है तो ये किस प्रकार से क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। अच्छा, क्रिया विशेषण क्या होता है पहले यही जान लीजिए। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो आपका क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? चलने की क्रिया हो रही है। और इस चलने की क्रिया की एक विशेषता है कि ये जो क्रिया हो रही है ये धीरे धीरे हो रही है, इसीलिए जैसे यहाँ पे धीरे धीरे आया है ये आपका एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। जैसे देखिए, अभी अभी के बारे में अगर बात की जाए तो वह अभी आया है, तो वहां पे आने की क्रिया हो रही है। उस आने की क्रिया को एक चीज जो है आपका निर्धारित कर दे रही है कि वो तुरंत आया, यानी अभी आया हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी एक ही एक प्रकार का क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। संस्कारी, संस्कारी भी किसी भी चीज की जो क्रिया हो रही है उसके बारे में नहीं बता रहा है, यानी उस किसी भी क्रिया की विशेषता को नहीं बता रहा है, इसीलिए संस्कारी आपका क्रिया विशेषण नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने विकास को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, किस प्रकार की क्रिया होगी? आपके सामने ऑप्शन है, उसमें से देख करके आपको बताना है। चलिए दोस्तों, आंसर आपको बताते हैं। आंसर यहां पर होगा द्विकर्म क्रिया। देखिए दोस्तों, द्विकर्म क्रिया मीन्स दो कर्म वाली क्रिया, यानी ऐसी जो है ऐसा वाक्य जिसमें आपका दो कर्म हो, ठीक है। कैसे? देखिए, मैंने विकास को पुस्तक दी, तो यहाँ पे आपको दो कर्म मिल रहा है। क्या क्या वो दो कर्म है? एक आपका कर्म है पुस्तक और एक है विकास, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपकी क्या होगी? द्विकर्म क्रिया होगी। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें और दी गई हैं, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया मतलब सकर्मक, कर्म के साथ, जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक होती है, और जो बिना कर्म के वाली वाक्य होता है वो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य होता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि जैसे दो क्रियाएं एक साथ हो रही हूं और उसमें से एक पहले और एक बाद में हो रही हूं, तो वहां पर आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। मैंने ये सारा अपने क्रिया वाली वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर के इसको देख भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधुओं ने अपना यज्ञ डैश डैश संपन्न किया, अब रिक्त स्थान में आपको उचित शब्द भरना है। चलिए दोस्तों, आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए यथा विधि, यानी विधि के अनुसार उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने अपनी बड़ी बात डैश डैश के साथ रखी, उसने अपनी बात बड़ी डैश डैश के साथ रखी। सबसे उचित शब्द को रिक्त स्थान में आपके लिए चुनना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या यहां पर एकदम परफेक्टली बैठेगा। तो दृढ़ता, उसने अपनी बात बड़ी दृढ़ता के साथ रखी। दृढ़ता मतलब मजबूती और विश्वास के साथ कहा जा सकता है, तो ये सबसे परफेक्ट है दृढ़ता यहाँ के लिए, तो यहाँ पे दृढ़ता हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है, यानी विधवा विवाह पर आधारित कोई उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा था उसका नाम क्या है? चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए जल्दी से आंसर आपको बताते हैं। आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रेमा। प्रेमा जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ये विधवा विवाह पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, ये तीन से चार शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें अशुद्ध कौन है ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, आंसर आपको बताते हैं। आंसर क्या होगा? आरूढ़। देखिए, ये जो है आपका अशुद्ध है, ये इसमें अशुद्धि क्या है ये भी देख लीजिए। आरूढ़ जो लिखा जाता है वो आपका कैसे लिखा जाता है? और इसमें बड़ा उ होता है ना कि छोटा उ, यहाँ पर आपके सामने छोटा उ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है, यानी यहाँ पर जो है ये इधर है ये शब्द है इसका विलोम है, तो दोनों में इसमें आपको ये देखना है कि कौन जो है गलत युग्म है। तो चलिए दोस्तों, आंसर बताते हैं आपको। आंसर क्या होगा? शाश्वत और सदैव। शाश्वत का क्या होना चाहिए? क्षणिक होना चाहिए,
जबकि शाश्वत और सदैव सेम चीज है। तो ये यहाँ पर क्या है आपका, गलत युग्म है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ग्रहण जिसमें सूर्य दिखाई ही ना दे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऐसा ग्रहण जिसमें आपको सूर्य दिखाई ही ना पड़े, यानी वो पूरा पूरा क्या हो जाए, ढक हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए दोस्तों आंसर आपको बताते हैं, आंसर आपका होगा खग्रास। खग्रास में क्या होता है, सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ नजर आता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या है, वाराणसी और उसके आसपास की जो स्थान है यानी जगहें हैं वहां पर जो है कशिका बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिबिया का बहुवचन निम्न में से क्या होगा। चलिए आंसर दिखाते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा डिबिया का बहुवचन, डिबिया हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका चंद्र बिंदु के साथ आ गया है, और ऑप्शन देखिए मैंने ऐसे लिए हुए हैं ताकि जो है क्लोज क्लोज रहे और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। जैसे कि एग्जाम में भी ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन थोड़ा इजी भी अगर आता है तो उसमें जो आपके ऑप्शन होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि वो आपको कंफ्यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संतान जो अवैध हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, आंसर यहाँ पर क्या होगा, जारज। जारज आपका क्या होता है, वह संतान जो अवैध हो। और अगर यहीं पे औरस की, या सहोदर मतलब कि एक ही उदर से जन्म लेने वाला, और अगर औरस की बात की जाए तो औरस क्या होगा, वैद्य जो संतान होता है वो आपको वैद्य पुत्र। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक बादल का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों आंसर देखिए, तो आंसर आपका होगा अम्बुद। अम्बुद क्या है, बादल का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं निम्न में से क्या कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। दोनों टाइप के आपसे पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है कि पर्यायवाची है और पर्यायवाची नहीं है, तो दोनों टाइप का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिया है। चलिए दोस्तों आंसर आपको दिखाते हैं, आंसर आपके लिए क्या होगा, पट। पट जो है आपका कपड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। पट की जगह होता क्या है वो भी देख लीजिए, पट की जगह पट, अगर पट आता तो जो है ये आपका क्या होता, कपड़े का पर्यायवाची होता। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको राकेश बुला रहा है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। जैसा कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अगर इन तीनों में जो है कोई अशुद्धि नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, कोई त्रुटि नहीं। चलिए दोस्तों आंसर बता देते हैं, आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, भाग दो। सॉरी दोस्तों ये भाग दो में गलती नहीं है, जबकि भाग एक में ही गलती है। ये जो लिखा हुआ है आपको, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जब भी ऐसा होता है यानी कोई अगर सर्वनाम होता है और सर्वनाम के बाद यदि आपका कोई जो है एक जो कारक आता है तो वो आपस में मिला के लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग नजर आ रहा होगा, आपको अगर इसको देखा जाए तो इसको सही मायने में ऐसे लिखा जाना चाहिए, आपको एक साथ मिला करके, ये सही है और ये जो अलग अलग लिखा है ये गलत है। तो यही अशुद्धि है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इसका आप जो आंसर होगा ये एक में अशुद्धि है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश में लोग रात दिन काम करते हैं, इसमें जो है किस पार्ट में अशुद्धि है ये आपको बताना है। ये आपका पार्ट एक, ये दो और ये तीन, अगर कोई अशुद्धि नहीं है तो आंसर आपका ये कोई त्रुटि नहीं वाला हो जाएगा। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, आंसर यहाँ पे होगा इस पे कोई भी त्रुटि नहीं है, पूरे तौर पे ये सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि जो है ये आपका क्या बोलते हैं गलत होगा, लेकिन ये रात और दिन इसी प्रकार से लिखा जाता है बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करके, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। चलिए दोस्तों आंसर आपको बताते हैं, अभिषेक शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, अभि प्लस शे। यहाँ पर देखिए ये जो अभी है इसके साथ जो ये शा है, ये वाला शा जो है प्रयोग होगा ना कि शा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई किस प्रकार का छंद है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, चौपाई किस प्रकार का छंद है, तो चौपाई आपका सममात्रिक छंद है, और चौपाई के जो प्रत्येक चरण होते हैं उसमें जो है आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं, इसको भी ध्यान में रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा जो दोस्तों जो आपका रामचरित मानस है उसमें जो है चौपाई छंद का बहुत ही प्रयोग किया गया है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी जरूर करिएगा। और एक और रिक्वेस्ट रहती है कि जो वीडियो के बीच में ऐड वगैरह आते हैं तो कभी कभी उसको भी देख लिया करिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जनता द्वारा समूह अथवा घरों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सामान्य जनता द्वारा अथवा समूह या घरों में जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है। अभी अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपके सामने लिखा हुआ है, परिनिष्ठ भाषा, तो ये भी क्या होती है, तो इसके बारे में भी जान करके रखें। देखिए ये ऐसी भाषा होती है जब उसको व्याकरण द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है, यानी व्याकरण के प्रयोग से उसको अच्छा बना दिया जाता है, तब वो आपकी कौन सी भाषा बन जाती है, परिनिष्ठ भाषा बन जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगर राष्ट्रभाषा के बारे में कभी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत से, समझिए बहुमत से बोली जाती है, तो वो आपकी राष्ट्रभाषा होती है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। और राजभाषा यानी जो आपके सरकारी प्रयोगों में प्रयोग की जाती है वो आपकी राजभाषा होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवासुर में कौन सा समास है? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, आपका आंसर क्या है, द्वंद समास, देवासुर में द्वंद समास होता है। देखिए दोस्तों अभी अभी आपके सामने एक चीज आया था, रात दिन, ठीक है, रात और दिन आया था, तो इसमें भी अगर कहा जाए आपसे तो ये भी आपका द्वंद समास होगा। बहुत ज्यादा लोग इसको इसमें ध्यान रखते हैं कि इसमें ये वाला जो है आपका योजक चिन्ह आता है, इसको ध्यान में रखते हैं कि अगर ये आएगा तो आपका जो है द्वंद्व समास होगा, लेकिन इसको ध्यान ना दें, बहुत सारे ऐसे आपके शब्द होते हैं जिसमें जो है द्वंद्व समास होता है लेकिन वो आपको पता नहीं चल पाता। अच्छा इसको पहचानने का तरीका क्या है, द्वंद्व समास जो आपका होता है इसमें जो आपके, जैसे देखिए यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, इन दोनों में क्या होता है, विलोम, विलोमता आपको दिखाई पड़ती है, यानी अपोजिशन दिखाई पड़ता है, जैसे रात का जस्ट अपोजिट क्या आ गया, दिन। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देवासुर लिखा है तो देव का जस्ट अपोजिट क्या है, सुर है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, आपस में दोनों में क्या है, अपोजिशन की बात है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? चलिए दोस्तों आंसर आपको बताते हैं, आंसर क्या होगा, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। तो दोस्तों ये थे मेरे 20 क्वेश्चन, मैं समझता हूँ सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और नए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी ऐसी वीडियोज को वो आगे देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।